दोस्तों वार का पहला सॉन्ग आउट होने वाला है और ये सॉन्ग काफी ज्यादा विस्फोटक पार्टी सॉन्ग होगा और इस सॉन्ग के लिए तो हर कोई फुल एक्साइटेड भी है और ये सॉन्ग डांस फ्लोर पर आग लगा देगा। तो जय जल्दी ये सॉन्ग आउट होने जा रहा है और मैं उससे पहले आपको बताते है इस सॉन्ग की कुछ खास बातें जिससे ये सॉन्ग और भी ज्यादा खास बन जाता है। नंबर वन, दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अजीत सिंह के सॉन्ग्स का कुछ खास ही इंतजार किया जाता है और वहीं ऋतिक रोशन के डांस के दीवानों की कमी नहीं है। जैसे में ऋतिक और अरिजीत का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन ये आपको बता दें कि ऋतिक और अरिजीत सिंह के सॉन्ग कुछ ही हमें देखने को मिले हैं। और यहाँ देखा जाए तो इससे पहले हमें अरिजीत सिंह और ऋतिक रोशन का कॉम्बिनेशन देखने को मिला था मोहनजोदड़ो के टाइटल सॉन्ग में। तो इसमें पहली बार होगा जब ऋतिक रोशन और अरिजीत सिंह की आवाज हमें देखने को मिलेगी किसी एक पार्टी सॉन्ग में और वो होगा वार का पहला सॉन्ग घुंघरू। नंबर दो, दोस्तों वार का डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का कहना है कि ये सॉन्ग इस साल का सबसे बड़ा पार्टी ट्रैक बन सकता है। जी हाँ, तो वार का पहला सॉन्ग ही इस साल का सबसे बड़ा पार्टी ट्रैक बन सकता है और क्योंकि इस सॉन्ग में ऋतिक रोशन है, साथ ही अरिजीत सिंह और विशाल शेखर का म्यूजिक डायरेक्शन, तो ऐसे में सॉन्ग तो खास बन ही जाता है। नंबर थ्री, दोस्तों वार के सॉन्ग को इंडिया के सबसे बड़े डांसिंग कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिन ने कोरियोग्राफ किया है और यहाँ बॉस्को अधिकतर पार्टी सॉन्ग को डायरेक्ट करते हैं और इसमें बॉस्को के कोरियोग्राफ किए हुए सॉन्ग तो हमेशा से धूम मचाते आए हैं और यहाँ ऋतिक रोशन के इस सॉन्ग को भी काफी बड़े लेवल पर बनाया गया है और इस सॉन्ग के अंदर एक से बढ़कर एक डांस मूव भी रखे गए हैं। नंबर चार, दोस्तों वार के इस सॉन्ग में आपको पहली बार ऋतिक रोशन और वाणी कपूर एक साथ दिखेंगे और आपको बता दें कि ऋतिक रोशन तो एक शानदार डांसर है ही और वहीं वाणी कपूर भी एक शानदार डांसर है, तो ऐसे में इस सॉन्ग में डांस की कमी नहीं होने वाली है। नंबर पाँच, दोस्तों वार के इस सॉन्ग के जरिए ऋतिक रोशन एक बार फिर से आपको धूम मचाते दिखेंगे क्योंकि याद करेंगे तो हमें लास्ट बार बैंग बैंग में ऋतिक रोशन का इस तरह का अवतार देखने को मिला था और बैंग बैंग में ही हमें ऋतिक रोशन इस तरह के डांसिंग मूव करते दिखे थे और एक बार फिर से वार के जरिए आप देखेंगे ऋतिक रोशन के शानदार डांस मूव क्योंकि ऋतिक रोशन की पिछली फिल्में जैसे कि मोहनजोदड़ो, काबिल और सुपर 30 में हमें ऋतिक रोशन का उस तरह का डांस देखने को नहीं मिला है जिस तरह का आप वार में देखेंगे। नंबर छः, दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज़ को रोमांटिक और सैड सॉन्ग में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और अरिजीत अधिकतर रोमांटिक गाने ही गाते हैं, लेकिन इस बार अरिजीत की आवाज़ हमें सुनने को मिलेगी एक पार्टी सॉन्ग में और ये पार्टी सॉन्ग भी अरिजीत सिंह के रोमांटिक सॉन्ग की तरह ही काफ़ी ज़्यादा शानदार होगा। नंबर सात, दोस्तों जैसे कि अधिकतर पार्टी सॉन्ग को किसी सेट पर शूट किया जाता है, लेकिन वार का ये पार्टी सॉन्ग आउटडोर लोकेशन पर शूट किया गया है और इसकी झलक हमें फिल्म के टीजर ट्रेलर में भी देखने को मिली थी। तो इसमें आउटडोर लोकेशन पर शूट किया गया है वार का पहला सॉन्ग घुंघरू और साथ ही इस सॉन्ग में आपको बीच का लोकेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें जल्दी आउट होने वाला है वार का पहला सॉन्ग घुंघरू और ये सॉन्ग हर तरफ से खास है, तो अपना एक्साइटमेंट बनाए रखें इस सॉन्ग के लिए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।